सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एमआर एक्वेरीज। तो जैसा कि आपने हमारा थंबनेल में टाइटल में देख ही लिया होगा कि हमको एक वापस से लॉस हो गया है। जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने न्यू फिश लेकर आई थी जिसमें हमारी दो सिल्वर अरवाना थी एंड दो एलिगेटर गार फिश थी हमारी। तो जब हमने उनको हमारे टैंक में डाला था तब तो आपने देखा था कि हमारी जो पाकू फिश है वो एलिगेटर गार को निप कर रही थी, मतलब उसकी पूरी जो टेल वगैरह थी खा ही जाती वो। इसके लिए फिर हमने ना उसको निकाल कर हमारे सम टैंक में डाल दिया। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं जिसके अंदर हमने ये दो फोर न्यू फिश को ऐड किया था। तो उसके दूसरे दिन आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट वही देने वाला हूँ उनके ही बारे में कि ये लोग अच्छे से तो थे, फूड भी ले रहे थे अच्छे से थे, बट उसके दूसरे दिन क्या हुआ कि मैं हमारे काम से ऑफिस चला गया एंड उसके बाद जब मैं रिटर्न आया घर पर तो मैंने देखा सब चीज़ नॉर्मल था। ऊपर के ही टैंक में देखा बट सम टैंक में ध्यान नहीं दिया था मैंने तो, बट फिर सम टैंक में थोड़े टाइम बाद मैं आकर देखा सम टैंक में तो हमारा जो एक एलिगेटर गार था वो हमारे सम टैंक में था ही नहीं, हमको मिल ही नहीं रहा था कि कहाँ गया क्या पता। तो हम ढूंढने लगे आसपास, हमको मिला नहीं। फिर अब ऐसे हमने ढूंढे तो हमने आप देख सकते हैं कि वो हमारे जो सिल्वर अरवाना जो थी वो हमारे टैंक से काफ़ी दूर पड़ी थी, हमारे पूरे मेन डोर के पास पड़ी थी। तो हम तो एकदम शॉक्ड हो गए। फिर हमने उसको उठाकर देखा वो पूरी सूख चुकी थी, हमको लगा कि मर गई है, तो ऑलमोस्ट डेड थी वो। फिर उसको हमने उठाकर हमने सोचा कि चलो उसको बाद में फेंक देंगे, तो हम उसको हमारे सम टैंक में ऐसे डाल के छोड़ दिए। तो फिर थोड़ी देर बाद में हमने देखा कि उसके जो गिल्स वगैरह जो थे ना वो थोड़े हिलते हुए दिखे हमको, थोड़ा सा वो ब्रीथ करते हुए दिखी। तो हमने फ़ौरन उसको, फिर आप देख सकते हैं हमने उसको फ़ौरन हमारे जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के मुंह के पास उसके पास रखा। हमने काफ़ी देर तक आधा पौने घंटे तक हमने उसको ऐसे ही पकड़ के रखा था एंड जब वो थोड़ी नॉर्मल हो गई थोड़ी सी खुद से आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ी सी चलती है बट फिर वीक हो गई थी मतलब हमारी अरवाना। एंड उसके बाद फिर हमने उसको काफ़ी देर तक हम हमारे सम टैंक में ही रखा एंड जब वो उसके बाद एकदम नॉर्मल हो गई तो फिर उसके बाद हमने उसको निकाल कर हमारे वापस से हमने मेन टैंक में ऐड कर दिया। एंड ऐड करने के बाद हमने देखा कि उसकी दोनों भी आई जो है क्लाउडी आई हो गई थी। तो फिर हमने सोचा कि उसका जो भी ट्रीटमेंट है हम कल करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, बट हमने छोड़ दिया उसको। थोड़ा फूड दिया, फूड भी ले ली उसने तो इतना अच्छी हो गई थी। फिर उसके बाद वो एकदम मैजिक था ये तो मेरे लिए क्योंकि वो अरवाना एकदम डेड थी, पूरी सूख गई थी वो। अच्छा वो हम जल्दी आ गए, अगर हमको थोड़ा और आधा पौना घंटा लेट हो जाता तो वो ऑलमोस्ट वो डेड हो जाती। तो फिर उसके बाद हमने उसको हमारे मेन टैंक में डाल दिया एंड उसके बाद वो फूड भी दिया, फूड भी ली। फिर हमने उसके क्लाउडी आई हो गया था तो उसकी भी हमने सोचा था कि उसको मेडिकेशन वगैरह जो है दूसरे दिन करेंगे, बट जैसे ही हम दूसरे दिन आए तो हमने टैंक में देखा वो टैंक में फिश दिख ही नहीं रही थी एंड उसके बाद आप देख सकते हो उसका क्या हाल है। तो पूरी हाफ मिली हमको वो क्योंकि जो हमारी पाकू फिश थी उन लोग ने उसको नोच डाले, पूरा खा गया आधा एंड काफ़ी बुरा लगा हमको उसके लिए। एंड क्या कर सकते हैं, हमको पता नहीं अब रात में हुआ क्या कि वो डेड हो गई थी उसके बाद उसको मारे या फिर वो वीक हो गई थी एक ही जगह पे खड़ी हो गई होगी तो पाकू लोग ने उसको मारे, कुछ हमें पता नहीं है कि रात में क्या हुआ। बट मॉर्निंग में हमने देखा कि वो पूरी हाफ हो चुकी थी तो फिर हमने सोचा कि अब क्या उसको निकालूँ। फिर इसके लिए मैंने छोड़ दिया टाइम ही, तो शाम तक तो वो पूरी गायब हो गई। हमारी जो पाकू है, गोरामी है, ऑस्कर है, सब लोग मिलकर उसको खा गए एंड फिर उसके बाद एलिगेटर से कहानी शुरू हुई थी। एलिगेटर हम ढूंढ रहे थे वो मिला नहीं हमको, बट फिर हमने देखा कि हमारे जो स्पंज जो रखे होते हैं ना हमारे स्पंज के अंदर हमने उठाकर देखा तो वो वहाँ पर चला गया था एंड वहाँ से निकल नहीं पाया वापस। तो वो पूरे दिन में समझ लो वहीं पर बैठा होगा तो इसके लिए फिर वो वहीं के वहीं डेड हो गया। तो ये दोनों लॉस हो गया अभी हमारे साथ में। अभी हमारे पास एक ही अरवाना है एंड एक ही एलिगेटर गार है। तो एक्चुअली में अरवाना हुआ क्या, अरवाना ने जंप किया। आप तो सब जानते ही है कि अरवाना जो है उसको दूसरा नाम यही है वाटर मंकी बोला जाता है क्योंकि वो जंप करते हैं। तो हमारे जो कवर है वो कवर तो पूरा ढका हुआ है बट हमने जब लाइट लगाने के लिए जो होल्स किए थे उसके अंदर तो वो होल्स के ऊपर कुछ कवर नहीं किया था हमने क्योंकि वहाँ पर ब्रेसिंग थी, बट फिर भी वो थोड़ा सी होल में ही वो बाहर कूद गई। तो यही हुआ अभी, तो हमारी लापरवाही थी, हमको ध्यान देना चाहिए था, हमको पहले ही सोच लेना चाहिए था कि जब वो एक अरवाना फिश हम रखते हैं तो वो तो जंप करती ही है, हमने केयर नहीं किया सही से।
बट फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर अभी कपड़ा रख दिया है एंड वो मतलब जो होल्स है वो तो बंद कर दिया है, बट फिर भी अभी हम इसको उसका कवर का कुछ करना है हमें, तो प्लीज़ हमें कुछ आइडिया दो कि हम इसका कवर कैसे बनाएं, क्या करें कवर के लिए। और बाकी अभी आप देख सकते हैं हमारी जो सारे फिशेस है एकदम अच्छे से है, कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रही है, सब अच्छे से है। एंड तो आप देख सकते हैं अरवाना जो है बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पाकू है ऑस्कर है कोई कुछ नहीं करता है उसको। तो इसके इसको देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि वो अरवाना डेड हो गई थी रात में, इसके लिए शायद इन लोग ने उसको खा गए, वरना अगर ज़िंदा होती तो खाते नहीं, क्योंकि अगर ज़िंदा होती उसको खा सकते थे तो इसको भी खा जाना चाहिए तब तक। एंड तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, हमको बस आपको अपडेट देना था कि क्या चल रहा है हमारे टैंक के साथ में। एंड अभी हम जो आपको बोले थे कि हमने दो सिल्वर अरवाना लेकर आए हैं एंड एक और एक कोई अरवाना लेकर आने वाले, तो अभी हमें दो अरवाना और लेना होगी या तो फिर कुछ सोचेंगे कुछ और। जैसा भी है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि हम क्या करें। एंड जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसके अंदर हम जो है अभी इसके अंदर और फिश ऐड करने वाले हैं, तो शायद तब देखेंगे हम अरवाना लेकर आएंगे। एंड तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।